Good afternoon, students. You're welcome to the e learning class of class 8, Hindi, third language. Uh, first of all, Happy New Year to all of you. I want you to prosper with good health and studies in this new year. And also, I wish that uh, I can see you face to face in this new year and teach you like we used to do before. So, students, यू कैन सी ऑन द ब्लैक बोर्ड आई हैव रिटर्न प्रोजेक्ट वर्क सो दिस मीन्स टूडे इन दिस क्लास आई वॉन्ट टू डिसकस अबाउट योर प्रोजेक्ट और आई कैन आई वॉन्ट टू गिव यू योर प्रोजेक्ट ठीक है तो आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या होने वाला है देखिए आप लोगों ने पेज नंबर थर्टी सेवन जो है आप लोगों का इसमें आपने जो है सर्वनाम शब्दों को छांटकर कर लिखना ये वाला ऐसा टाइप का आपने जो है एक्सरसाइज किया था इससे पहले भी आपने सर्वनाम के बारे में जानकारी हासिल की थी तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आप सर्वनाम शब्दों से वाकिफ़ हैं आप लोगों का जब लाइव क्लास होता है मैं आप लोगों से सर्वनाम के बारे में पूछती हूँ तो आप लोग मुझे सर्वनाम बता पाते हैं इससे क्या साबित होता है कि आप सर्वनाम जानते हैं तो मैं ये चाहूँगी कि आप जो है इस चैप्टर में जो सर्वनाम शब्द दिए हैं वो एक्सरसाइज में हो सकता है चैप्टर के अंदर हो सकता है वहाँ से भी और अपनी मर्जी से भी कोई भी टेन दस सर्वनाम शब्दों को कलेक्ट कीजिए और उनसे वाक्य बनाइए ठीक है तो प्रोजेक्ट का आपका जो टॉपिक है या आपका क्वेश्चन की तरह आप लिख सकते हैं कि निम्न लिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाए ठीक है फॉर एग्जाम्पल पहला आपने लिखा अपना उससे आपने वाक्य बनाया कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया मैंने अपना काम खत्म कर लिया तो अपना के नीचे अंडरलाइन कर दिया लाइक दिस यू गो ऑन मेकिंग टेन सेंटेंसेस हाउ मेनी टेन सेंटेंसेस कोई भी सर्वनाम शब्द पहले कोशिश कीजिए चैप्टर से उठाने के उसके बाद अगर चैप्टर में टेन नहीं हो रहा है रिपीटिशन हो सकता है तब आप क्या करेंगे टेन डिफरेंट सर्वनाम शब्द एक ही सर्वनाम शब्द से दो बार नहीं दस सर्वनाम शब्दों को चुनेंगे और उनसे जो है वाक्य का प्रयोग करेंगे किस चीज़ में करेंगे ऑन अ चार्ट पेपर किस में बोला मैंने चार्ट पेपर ओके चार्ट पेपर ये वुल मेक इट ऑन अ चार्ट पेपर एनी कलर्ड चार्ट पेपर एनी काइंड ऑफ पेन डजेंट मैटर एनी कलर्ड चार्ट पेपर एनी काइंड ऑफ पेन जितना मर्जी सजा के आप अच्छे से कीजिए उसमें कुछ इंफॉर्मेशंस होना जरूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला जो मैंने क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाए ये होना जरूरी है इसके अलावा आपका नेम रोल नंबर, क्लास सेक्शन सब्जेक्ट का नेम स्कूल का नेम नेम रोल नंबर, क्लास सेक्शन सब्जेक्ट का नेम और स्कूल का नेम ये पांच छः चीज़ें होना अनिवार्य है दिस इज़ मैंडेटरी ये सब आपके प्रोजेक्ट वर्क में लिखा रहना चाहिए आप चाहे तो चार्ट पेपर के पीछे लिखे उसको रिवर्स करके पीछे लिख सकते हैं नहीं तो एक साइड में बॉक्स बना के उसमें लिख सकते हैं और पूरा चीज़ जो है बना हुआ होना चाहिए ठीक है इतना कर लेंगे आप लोग करना ही होगा आप लोगों को करना है ठीक है तो ये करके आप लोग प्रोजेक्ट वर्क रेडी करके रखिए वेन यू हैव टू सबमिट इट दैट थिंग इज नॉट येट डिसाइडेड वी विल गिव यू द डेट एंड ऑन दोज डेट्स यू हैव टू सबमिट इट कैसे सबमिट करना है क्या करना है वी डोंट वॉन्ट टू गो टू द डिटेल्स राइट नाउ फिलहाल के लिए आप लोग केवल उसको बना करके रखिए फिर हम लोग क्या करेंगे कि जिस दिन आपको सबमिट करने बोलेंगे तब आप लोग सबमिट कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता है आपको ही डाउट है चार्ट पेपर में किसी भी पेन से क्वेश्चन को लिख के जो जो बोला है नेम वगैरह आप लोग रिवाइंड करके वीडियो को देख लीजिएगा उसको करना है और क्या करना है कि आप लोगों को 10 सर्वनाम शब्दों को चुनना है कोई भी 10 सर्वनाम शब्द आप ले सकते हैं कहीं से भी उठा सकते हैं कोशिश कीजिएगा चैप्टर से फिर बाहर से भी उनसे एक एक सेंटेंस बनाना है ठीक है I hope I'm clear to you. So see you in the next class. Till then, bye.